कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग की सीमा पर रिंगोड़ा से 200 मीटर रामनगर की तरफ सड़क किनारे घास काट रही एक महिला पर किया टाइगर ने हमला, जिसमें महिला गंभीर रूप से हुई घायल। बड़ी बहन तारा देवी ने लड़का खींचकर लाई बाघ के मुंह से अपनी छोटी बहन को। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में महिला का चल रहा है उपचार। रामनगर वन प्रभाग की टीम भी मौके पर मौजूद। आज शाम कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग की सीमा पर रामनगर गर्जिया नेशनल हाईवे 309 मार्ग पर रिंगोड़ा से 200 मीटर रामनगर की तरफ एक टाइगर ने घास काट रही 40 वर्षीय महिला लीला देवी पति कामदेव पर हमला कर दिया, जिसमें महिला के सीने पर, कान पर, गर्दन पर बाघ के नाखूनों के गंभीर निशान हैं। महिला का उपचार रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। बता दें कि आज शाम 5:45 पर तीन महिलाएँ लीला देवी पत्नी कामदेव उम्र 40 वर्ष, अपनी बड़ी बहन तारा देवी और एक अन्य सरस्वती देवी के साथ रिंगोड़ा के पास घास काट रही थी। इसी बीच बाघ ने लीला देवी पर हमला कर दिया। बाघ लीला देवी को जंगल की ओर ले जाने लगा। इसी बीच बड़ी बहन तारा देवी ने हो हल्ला करते हुए अपनी बहन को पकड़ लिया और बाघ से संघर्ष करते हुए अपनी बहन को बचा लिया। बता दें कि लीला देवी रामनगर के आमडंडा खत्ते की रहने वाली हैं। मतलब तुम हिम्मत दिखे तब भागो। अच्छा तुम लड़ता हूँ। तारा देवी कि हाँ वहाँ आ टाइगर, टाइगर आ से जब ये पकड़ दी मैं हल्ला करो, मैं डंडा उठाए ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के लाई। हाँ बाघ से हटाया मैंने, फिर डंडा से मैंने हाथ हाथ हटाया, हाँ ऐसा से डंडा से हटाया मैंने, फिर इसको मैंने ऐसे ऐसे पकड़ा, मैं लाई घसीट के, मेरे को ले जाएगा तो दोनों को ले जाएगा फिर हम। हाँ बाघ के मुंह से खींच के लाई। हम क्या, हमारा घर ही वही है, घर ही वही है, कैसे रहते हैं हम, लाइट नहीं, पानी नहीं, थोड़ा से थोड़ा आगे रिंगोड़े के नीचे, हाँ रोड पे, रोड पे ही हिम्मत दिखाना पड़ गया। बहन है मेरी, ओ मरते तो दो साथ में मरते, फिर मैंने खींचा, मैंने कहा ले जाएगा दोनों को ले जाएगा। वही जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि यह घटना आज शाम की है, जब तीन महिलाएं रिंगोड़ा के पास घास काट रही थी तो बाघ ने लीला देवी पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना रामनगर वन प्रभाग के रिंगोड़ा ब्लॉक का संख्या 2 मार्ग के किनारे की है। उन्होंने बताया कि महिला का उपचार रामदत्त जोशी चिकित्सालय में करवाया जा रहा है और महिला अभी खतरे से बाहर है। यहाँ की कुछ औरतें जो है घास काट से लकड़ी बीनने के लिए जो है जंगल में गई थी, तो रिंगोड़ा से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया है। फिलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रोड पे ही हमला किया? हाँ रोड से थोड़ा अंदर, रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगोड़ा खत्ते से 200 मीटर इधर की बात है। जी जी अभी ठीक है, बाकी वहाँ पर स्टाफ भेज। भैया तुम मुझे चला गए।